the concept of utilitarianism it has been first propounded by jeremy bentham now there are two schools of thoughts one is the deontological school of thought and second is consequentialist school of thought now both these terms are basically related to the paper 4 of upsc examination ethics but here one thinker belongs to the deontology school of thought and another thinker belongs to the consequentialist school of thought when we are talking about jeremy bentham बिलोंग टू द स्कूल ऑफ हालांकि ना यू नीड टू अंडरस्टैंड बोहोत वेरी ब्रीफली फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडोलॉजी इट इज ए वैल्यू ओरिएटेड टर्मिनोलॉजी तो वैल्यू क्या होती है वैल्यू इज ए पार्ट ऑफ एथिक्स सो When I say deontology, Kehina Kehina, Immanuel Kant, a very famous German philosopher who has given the concept of human dignity and categorical imperatives, has talked about the deontology. Deontology is the phenomena which basically tries to say that means are as important as ends, like Mahatma Gandhi used to say, like Socrates used to say, like Plato used to say. Similarly, when I say consequentialist school of thought, क्शली स्कूल ऑफ थॉट इज बेसिकली मीन्स डजेंट मैटर बट एंड मैटर मै क्या एंड बैंथम सो वेन बैंथम इज संग ग्रेटेस्ट है ग्रेटेस्ट नंबर सो इफ यू आर अचीविंग द नंबर ऑफ नाइंटी आउट ऑफ हंड्रेड सो नाइंटी आर बेसिकली अगर हम डी ऑन्टोलॉजी के एस्पेक्ट से चीजों को सोचेंगे देन इट इज अनफेयर

पुशपिन इज एज गुड एज पोट्री ये एक गेम है ठीक है कार्डबोर्ड गेम है जैसे लूडो स्नेक लैटर्स वगैरह होती है कार्डबोर्ड गेम्स मोनोपली वगैरह होगी ठीक है ना सिमिलरली दिस इज ए कार्डबोर्ड गेम ऑफ द ब्रिटिशर्स ठीक है सो अकॉर्डिंग टू बैंथम इफ यू आर प्लेइंग ए गेम ऑफ पुष्पिन और इफ यू आर लिसनिंग टू द पोट्री बोथ आर इक्वली प्लेजरेबल बोथ गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज हैपीनेस इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर

दस मिनट के लिए ठीक है एंड द काइंड ऑफ हैप्पीनेस और द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू गेट आफ्टर लिसनिंग सच ए ग्रेट सॉन्ग और यू नो बेस्ड ऑन सच ए ग्रेट आर्टिस्ट्री और क्रिएटिवनेस अब उसके बाद आप आधा घंटा पुष्पिन खेलते हैं तो आपको क्या लगेगा भाई वो मजा नहीं आया जो वो गाना सुनने में आया था बेस्ड अपॉन योर यू नो आपका जो भी हॉबी है जो भी आपको करना पसंद है विच इज ट्रू बट हेयर बैंथम इज डिनाइंग दिस फैक्ट बैंथम कह रहा है ऐसा नहीं है अगर आप 10 मिनट के लिए ये गाने सुनते हो आर रहमान अरिजीत या किसी इंग्लिश आर्टिस्ट के किसी के भी लेकिन अगर आप पुष्पिन खेल रहे हो 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए तो ज्यादा प्लेजर हैप्पीनेस कहां से आएगी पुष्पिन से आएगी क्यों टाइम जो है वो आपने ज्यादा कहां पर दिया क्योंकि ही इज टॉकिंग फ्रॉम द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट उसको काउंट कर रहा है मैथमेटिकली काउंट करने की कोशिश कर रहा है जे एस मिल इस चीज को डिनाई करते हैं समझे आप जे एस मिल अब क्या कहते हैं जे एस मिल बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ डी तो जे एस मिल का क्या मानना है

Than a pig satisfied. And it is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied. Socrates is a wise person. Na? Because very popularly, there has been one English historian, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle has also criticized Bentham's concept of utilitarianism by saying that it's a pig's philosophy. From the quantitative aspect, तो हैप्पीनेस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से तो फिर तो कुछ भी हो सकती है बट क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो बट क्वालिटी वाली चीज होनी चाहिए रीजन पिग्स फिलोसफी इसको क्रिटिसाइज किया गया एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द यूटिलिटेरिज्म जर्मी बैंथम जे एस मिल यूटिलिटेरियनिज्म

But in the process of rectification, he has completely destroyed the utilitarianism concept of Jeremy Bentham.